बात है, मैं तो चाहूंगा कि और लोग बढ़ चढ़ के सिलेक्शन में हिस्सा लें। ये ना, एक सियासतदान होने के नाते मैं लोगों से उम्मीद और अपील करूंगा कि अपने वोट का इस्तेमाल करें। एक उम्मीदवार होने के नाते मेरा अपील होगा कि वोट मेरे तरफ जाए, लेकिन जहां पे भी वोट जाए वोट जाना चाहिए, क्योंकि जमहूरियत में वोट ही एक तरीका है जिससे कि लोग जो हैं अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। और फिलहाल यहाँ ठीक ठाक वोटिंग की परसेंटेज रही है, बाकी जगहों में भी लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया, अच्छी बात है। मैं थोड़ा कम, कुछ जगहों में ज्यादा, लेकिन इलेक्शन में रहता ही ऐसा है। ये कहाँ पे लिखा है कि हर इलाके को बराबर का इसमें हिस्सा लेना होगा? ये हर जगह यही रहता है, कुछ शहरों में कम रहता है, देहातों में ज्यादा, कभी ये सिलसिला बदल जाता है, लेकिन आम तौर पे जो है फिलहाल अच्छा ही रहा। मुबारक है, मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी बात, अल्लाह का शुक्र है इस बार वो खुल्लम खुल्ला आए और उन्होंने वोट का इस्तेमाल किया, क्योंकि इससे पहले भी वो सियासत में थोड़ा हिस्सा लेते थे, लेकिन वो मतलब दबी अल्फाजों में जो है अपनी बात आगे दोहराते थे। इस बार तो उन्होंने सीधा कहा है कि अगर उनके ऊपर से बैन उठ जाता है तो वो खुल के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मैं तो कहता हूँ जितनी जल्दी बैन उनके ऊपर से उठ जाए उतना अच्छा है, उनके खुद के उम्मीदवार मैदान में उतरे और वो अपने ही जो है बातों पे इलेक्शन लड़ें और वोट हासिल करें, बड़ी अच्छी बात होगी। मेरी तो यही कोशिश रहेगी इन इलेक्शनों के बाद कि अगले महीने के अंदर अंदर उनके ऊपर जो बैन लगा हुआ है वो हट जाए, ताकि जुलाई अगस्त में जो असेंबली के इंतखाबात होने हैं उनमें जमात इस्लामी के खुद के कैंडिडेट मैदान में है। मुद्दे लोगों के वो मुद्दे हैं, कौन इनकार कर सकता है कि यहाँ बेरोजगारी है, कौन इनकार कर सकता है कि यहाँ जिस हिसाब से डेवलपमेंट होनी चाहिए थी नहीं हुई, कौन इनकार कर सकता है कि महंगाई का जो असर लोगों पर नहीं पड़ रहा, बिजली की बिल जो है वो बढ़ती जा रही है, राशन कार्ड से जो है राशन नहीं मिल रहा है। लेकिन इन सब चीजों में हमें धोखा मिला ना, हमें तो कहा गया था 5 अगस्त 2019 के बाद के 370 हटाने के बाद सारा कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ ना। हमारी जमीनों को खतरा है, नौजवानों के रोजगार को खतरा, क्योंकि बाहर से लोग लाए जा रहे हैं यहाँ नौकरियों में बैठाने के लिए, बाहर से ठेकेदार आ रहे हैं, मजदूर भी बाहर से ला रहे हैं, सारा कुछ बाहर से हो रहा है। इसी चीज को बचाने के लिए हम लोग मैदान में उतरे। कुछ अपडेट्स तो ठीक है, कुछ तो सिर्फ दिखावा है ना। पोलिंग बूथ को आप पिंक कलर करो या ग्रीन कलर करो, है तो वो पोलिंग बूथ ही, लेकिन कुछ जगहों में तो मैं शिकायत ही करूंगा, क्योंकि कुछ जगहों में पोलिंग बूथ इतने दूर रखे गए हैं कि वोटरों को वहां तक पहुंचना मुश्किल है। मैंने खुद देखा है वो पोलिंग बूथ जो मेन रोड से 1.5-2 किलोमीटर अंदर है, अब वोटर जो है वहां पहुंच नहीं सकता। मुझे लगता है असेंबली इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि अब सिक्योरिटी का भी बहाना नहीं है, हालात पूरी तरह से पीसफुल रहे हैं, मेहरबानी करें इलेक्शन कमीशन वाले, अगली बार जब इलेक्शन होंगे तो पोलिंग बूथ की तरफ ध्यान दें, ताकि लोग जो है आराम से पोलिंग बूथ तक पहुंच पाए। ये अंदर गलियों में चोरी छुपे पोलिंग बूथ रखना, इससे इलेक्शन में वोटरों को फायदा नहीं होता।